वेलकम टू माई चैनल इनोवेटिव कुकिंग। और आज हम मटन आलू की करी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं मटन और आलू की करी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मटन और आलू की करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 kg मटन। मटन को मैंने बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, यहाँ पर मैंने नॉर्मल सरसों का तेल लिया है, ये है फ्रेश धनिया की पत्ती। यहाँ पर मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, ये है हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। यहाँ पर मैंने लिया है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। और ये मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। यहाँ पर मैंने लिया है घी 1/2 छोटी चम्मच, ये है जीरा अ पिंच ऑफ जीरा। यहाँ पर मैंने लिया है 5 बड़े साइज़ का प्याज, और प्याज को मैंने बिल्कुल अच्छे से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े आलू, और आलू को भी मैंने बीच से कट कर लिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मटन को मैंने बिल्कुल अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी अलग कर लिया है। तो अब ये जितने भी मसाले हैं मैं इस मटन के अंदर ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से इसमें मिला देंगे। आप अपने हाथों की मदद से बिल्कुल सारे मसालों को अच्छे से मिला लें। तो हम सारे मसालों को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। मटन को यहाँ पर सारे मसालों के साथ मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, गैस को मैंने ऑन कर लिया है, और इस पैन में मैंने ऐड किया है 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब मैं इस तेल में ऐड करूँगी जीरा। जीरा इसमें हल्का सा फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल मीडियम ही रखा है। आलू को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आलू भी यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गई है 1 मिनट के लिए। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटन। आज जो मैं ये तरीका बता रही हूँ मटन बनाने का, ये बहुत ही आसान तरीका है, और इससे मटन बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। गैस का फ्लेम अब मैं बिल्कुल यहाँ पर कम कर दूँगी। और मटन ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज। हम मटन को इस प्याज से बिल्कुल अच्छे से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मटन को प्याज से बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिया है। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। और अब हम इस मटन और आलू की करी को ढककर पका लेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखेंगे, क्योंकि मटन का जो पानी होगा वो हेल्प करेगा मटन को पकने में। और हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ। 20 मिनट हो गए हैं, तो अब हम मटन को एक बार चेक कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर हल्का सा तेज़ करेंगे। मटन में से बहुत सारा पानी निकलने लगा है। तो हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे। अब हम इस मटन को लगातार चलाते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका सारा पानी ना सूख जाए। पाँच मिनट के बाद यहाँ पर ये आलू मटन की करी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है, और लगभग इसका सारा पानी भी सूख चुका है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल मीडियम ही रखा है। तो अब हम इस आलू और मटन की करी में ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मैं यहाँ पर हाई कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, धनिया की पत्ती 2 बड़ा चम्मच। और एट लास्ट अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 बड़ा चम्मच घी।
सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से एक बार स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इस आलू और मटन की करी को ढककर पका लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो कर दिया है। 10 मिनट हो गए हैं तो अब मैं इसका लिड हटा लेती हूँ और मैं अब इसे हल्का सा स्टर कर लूँगी। और यहाँ पर हमारी मटन करी बनकर रेडी हो चुकी है, तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। आप इस मटन करी को रोटी, पराठे, चावल, नान, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली एंड अपने नेबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।